नमस्ते, मैं सोमा पाठक आप लोगों के लिए ओम मणिपद में हम ब्रेसलेट का यानी कि ओम मणिपद में हम पद में हम क्रिस्टल ब्रेसलेट का जो बेनिफिट है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही हाई वाइब्रेशनल होता है। ये आपके लाइफ में ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ लाता है, आपके नेम फेम में बढ़ोतरी होती है, आपके विजडम में बढ़ोतरी होती है, आपके सभी के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ पाओगे। स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का मतलब है डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना, जिसके वजह से आपके मैनिफेस्टेशंस जल्दी पूरे होंगे। लाइफ में ढेर सारे मिरेकल्स और सिंक्रोनिसिटीज आप लोगों को दिखेगा ये पहनने के बाद। आप में नॉलेज और विजडम भी बढ़ेगा। साथ ही साथ ये मणिपद में हम जो क्रिस्टल ब्रेसलेट है, ये इसका दो टाइप का मिलता है, एक तो मल्टी कलर है और एक ब्लैक कलर का भी है। तो दोनों में से आप जो भी पहनेंगे वो नेगेटिविटी को दूर करेगा आपसे, आपको नज़र से बचाएगा, किसी भी तरह से आपको नज़र नहीं लग पाएगी। आपके सराउंडिंग्स में अगर नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, किसी और के नेगेटिव एनर्जीज भी आप अगर पिक करते हैं, आप अगर एम्पैथ हो, खूब बहुत इजीली आप दूसरों के हर्ट से हर्ट हो जाते हैं, दुख से दुखी हो जाते हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम होता है, इमोशनली आप डाउन हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं, तो फिर ये मणिपद में हम क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको उससे भी बचाएगा, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके ऑरा स्ट्रॉन्ग होने से आप में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आप जल्दी नज़र लगने से बचेंगे, नज़र नहीं लगेगा आपको। और अगर परमानेंटली आपको बहुत अच्छे से आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप ज़रूर रेकी सीखिए। रेकी सीखकर अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा प्रोटेक्टेड होगा। ऑरा प्रोटेक्टेड रहने से आप हर तरह के नेगेटिविटी से बच सकते हैं और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी और आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे हमेशा। आपके मैनिफेस्टेशंस तो पूरे होने स्टार्ट हो जाएंगे जब भी आप ये मणिपद में हम ब्रेसलेट पहनेंगे। पर हमेशा मैं बोलती हूँ क्रिस्टल्स ब्रेसलेट पहनिए, क्रिस्टल किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें, उनको स्मजिंग एंड प्रोसेसिंग ज़रूर कीजिएगा। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, नहीं जानते हो, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिए। क्योंकि क्रिस्टल पहनने से ही नहीं होता है, उसकी केयर भी करनी होती है, और नेगेटिविटी को दूर करने से तभी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा ना। तो ज़रूर देखिए, जानिए कैसे स्मजिंग करना होता है, कैसे प्रोसेसिंग करना चाहिए क्रिस्टल्स को। यूट्यूब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए क्रिस्टल्स का। और फिर से एक और बार बोलूँगी, हर बार बताती हूँ, क्रिस्टल्स हमेशा अपने न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से पहनिए, ताकि आपको बेहतर लाइफ मिले और आप ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, सारे स्ट्रगल्स को दूर कर सको। आज यहीं तक, नमस्ते।